फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद पूरी देश में भड़की हिंसा की आग थमी नहीं है। अब तक 1700 से ज्यादा दंगों के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी टीनएजर्स हैं, जिनकी उम्र 14 से 18 साल है। इस हिंसा ने कई देशों की टेंशन बढ़ा दी। इसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान इसराइल है, क्योंकि इसराइल में पिछले कई महीनों से वेस्ट बैंक समेत कई फिलिस्तीनी बाहुल्य इलाकों में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को भी इजरायली सेना ने लेनिन रिफ्यूजी कैंप पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में इजरायली फोर्स ने 3 फिलिस्तीनी टेररिस्टों को मार गिराया। खबर है कि इजरायल की पुलिस और खुफिया एजेंसियां फ्रांस के दंगों पर पैनी नजर रख रही हैं। दरअसल इजरायल की होम मिनिस्ट्री को लगता है कि अगर फ्रांस जैसे हालात इजरायल में पैदा हो गए तो हमारी पुलिस इससे कैसे निपटेगी, लिहाजा इनसे निपटने की रणनीति तैयार की जा रही है और इसके लिए फ्रांस के हालात पर नजर रखी जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज फ्रांस में जारी दंगों पर न सिर्फ पैनी नजर रख रही हैं, बल्कि इनके तमाम फुटेज भी उनके पास मौजूद है। इन फुटेज का एनालिसिस एंटी राइट यानी दंगा विरोधी रणनीति बनाने में किया जा रहा है। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की। दरअसल इजरायली होम मिनिस्ट्री को लगता है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके में अक्सर पुलिस और अरब मूल के लोगों के बीच जो झड़पें होती हैं, वो किसी भी वक्त फ्रांस के दंगों का रूप ले सकती है। फ्रांस की पुलिस जिस तरह से दंगों को काबू करने की कोशिश कर रही है या उसकी स्ट्रेटेजी में जो खामियां हैं, उन्हें बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि इजराइल की पुलिस इस तरह की गलतियां ना करे। मई 2021 में यह दंगा भड़का था, 9 लोग मारे गए थे। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बने गिविर ने शनिवार को इसी मुद्दे पर लंबी मीटिंग की थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस के सब अर्बन एरिया में मंगलवार को 17 साल के लड़के को पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर गोली मार दी थी। इसमें उसकी मौत हो गई थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद छठे दिन भी हिंसा जारी है। दंगाइयों ने रविवार को लैले होज में मेयर विंसेंट जाम्ब्राम के घर से एक कार टकरा दी और घर में आग लगाने की कोशिश की। जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त मेयर अपने दफ्तर में थे। उनकी पत्नी उस वक्त घर पर थी और घर से बाहर निकलने के दौरान वो घायल हो गई। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे चौंकाने वाली घटना कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि हमने फैसला किया है कि दंगा करने वाले आरोपियों पर जल्द से जल्द केस शुरू किया जाए ताकि बाकी लोगों को सबक मिल सके।